क्वेश्चन दिया हुआ है आपका L इक्वल टू AM, BN, M इक्वल टू 2N, डिजाइन और ट्यूरिंग मशीन। मीन्स M की वैल्यू जो है वो 2N है, तो मीन्स हम M के प्लेस पर 2N रख सकते हैं। तो हमने इसको लिखा A2N BN, क्योंकि M की वैल्यू 2N है, तो M के प्लेस पर 2N हमने यहाँ पर रख दिया। अब BN तो है, N की वैल्यू आपका 0 से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू जब दिया नहीं है तो 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसके अकॉर्डिंग हम लैंग्वेज देखेंगे तो लैंग्वेज क्या आएगा, जब भी लैंग्वेज आएगा मीन्स अगर b 1 टाइम आएगा तो डबल आएगा a, अगर b 2 टाइम आएगा इसका डबल आएगा a, मीन्स हमेशा डबल आएगा a, मीन्स आपका 2 टाइम a तो 1 टाइम b, अगर n की वैल्यू 1 हम देते हैं तो n की वैल्यू 1 पर, अगर n की वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या आएगा 4 टाइम a, n की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 4, तो 4 टाइम a और 2 टाइम b, एंड 6 टाइम a तो 3 टाइम b, 6 टाइम a 3 टाइम b, एंड डॉट डॉट डॉट, यही आपका लैंग्वेज आएगा। अब इसको हम टेप में वैल्यू पुटअप करते तो क्या होगा, टेप में अगर एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ए के पावर 0, बी के पावर 0, तो मीस आएगा आपका नल, और नल मीस आपका टेप में आएगा वैल्यू क्या, हैश सिंबल, हैश सिंबल आएगा टेप में आपका, हैश सिंबल आएगा, ठीक है। ये तो एन की वैल्यू 0 पर, अगर एन की वैल्यू हम पुटअप कर दें आपका 1, एन की वैल्यू 1 पुटअप करें तो क्या आएगा 2 टाइम a और 1 टाइम b, देन आपका हैश, ये n की वैल्यू 1। अगर n की वैल्यू हमने 2 पुट किया तो 4 टाइम a और 2 टाइम b एंड हैश, ये आएगा। अगर n की वैल्यू हमने 2 रखा तो n की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 4, तो 4 टाइम a और b 2 आएगा आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम मशीन डिजाइन करते हैं, जो कि जो लैंग्वेज आपका आ रहा है टेप में, जो भी वैल्यू आ रहा है उस वैल्यू को क्या करे, एक्सेप्ट कर ले, जो टेप में वैल्यू आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर ले, अगर नल भी है उसे भी एक्सेप्ट करे, एन की वैल्यू 1 मीन्स 2 टाइम a 1 टाइम b है उसे भी एक्सेप्ट करे, अगर 4 टाइम a और 2 टाइम b आता है उसे भी एक्सेप्ट करे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट लेते हैं, और इनिशियल स्टेट को स्टार्टिंग में ही जैसे ही हैश मिले तो हैश को क्या कीजिए, आपका हैश को क्या कीजिए, हैश को हैश रहने दीजिए और राइट साइड मूव कीजिए और हाल्ट स्टेट पर चले जाइए, ये हो गया क्यू नॉट। अगर स्टार्टिंग में ही उसे हैश मिलता है, मीन ब्लैंक्स वैल्यू मिलता है, तो हैश वैल्यू को हैश से रिप्लेस करो, राइट की तरफ मूव करो और एच हाल्ट स्टेट पर चले जाओ, जो कि आपका फाइनल स्टेट होता है हाल्ट स्टेट, ठीक है। अब बात करते हैं हम 2 टाइम a 1 टाइम b, मीन्स करने का जब भी हम बात करेंगे तो 2a को सॉल्व करने पर 1b, मीन्स 2a इक्वल टू 1b, 2a इक्वल टू, मीन 2a इक्वल टू 1b, 4a 4a इक्वल टू 2b, ये तो हो रहा है, 2 टाइम a इक्वल टू 1 टाइम b, 4 टाइम a इक्वल टू 2 टाइम b, मीन्स 2a हमेशा डबल और b आपका उसका हाफ, बी है उसका हाफ, में अगर ए डबल है तो हाफ क्या है, बी है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। मैं 2 टाइम a को रीड करे और राइट करे, देन बी को 1 टाइम राइट करे, तो हम पहले 2 टाइम a को रीड करा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही फर्स्ट a मिला तो हम कैपिटल a से रिप्लेस करते थे, हम अदर वेरिएबल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं a को हम x से रिप्लेस करें, a को x से रिप्लेस कर रहे हैं और उसे राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। फर्स्ट ए मिला, मान लीजिए फर्स्ट ए मिला, तो हम फर्स्ट ए जैसे ही आप इस बात कर रहे हैं, जो ए ए एंड बी इस टेप की हम बात कर रहे हैं, ए ए एंड बी, देन लास्ट में क्या हैश सिंबल है, तो जैसे ही फर्स्ट ए मिला उसे क्या किया, कैपिटल एक्स किया, ए को क्या किया उसने कैपिटल एक्स किया, ए को कैपिटल एक्स किया और राइट साइड में मोके मीन स्मॉल ए पर यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब स्टेट हो गया आपका क्यू वन स्टेट हो गया। जैसे ही सेकेंड ए मिला हमें तो 2a को सॉल्व करना है, देन 1b को, फिर अगेन ऐसे ही मूव करना है, तो अगेन सेकेंड a मिला, जैसे ही सेकेंड a मिला तो उस a को x किया और राइट तक मूव किया। अब आगे हम q2 स्टेट पर, 2a हो गया और 2a इक्वल टू 1b, देन अब हम b को सॉल्व करते हैं, जैसे ही b मिला हमने कहा उसे y करो और लेफ्ट साइड मूव करो और q3 स्टेट पर आ जाओ,
वन टाइम ए टू टाइम ए, मीन्स ए के पावर टू एन है, तो टू ए हो गया, टू टाइम ए को आपने रीड किया और देन राइट भी किया, मीन्स ए को हमने एक्स से रिप्लेस भी कर दिया, और देन वन टाइम बी को हमने राइट किया और देन हम अगेन बैक साइड मूव आ गए, ठीक है। तो ये हो गया क्यू थ्री स्टेट मूव आ गए। अब आगे क्या है, हैश सिंबल है, अगर जैसे ही लेफ्ट गए तो क्या मिलेगा उसे, इसमें कैपिटल ए मीन्स करने का, आप जब आपने नहीं जैसे फर्स्ट ए मिला था आपने क्या किया था, एक्स किया था, एक्स किया था, अगेन जब अगेन सेकंड ए मिला था उसे क्या किया, एक्स किया था, अगेन उसे जब बी मिला था आपने क्या किया था, वाई किया था, और लेफ्ट तक मूव किया, लेफ्ट मीन्स बैक, बैक आ गया। जैसे ही यहाँ पर आए तो यहाँ क्या मिला उसे, एक्स मिला, जैसे ही आपको एक्स मिले, एक्स मिले तो आप अगेन क्या जाओ स्टार्टिंग स्टेट पर जाओ, एक्स मिले एक्स को एक्स से रिप्लेस करो और राइट साइड मूव कर जाओ, एक्स को एक्स से रिप्लेस किया राइट साइड में, अगेन क्या गया उसे वाई, अगेन जैसे ही वाई मिले, अगेन जैसे ही उसे वाई मिले तो अब यहाँ पे तो स्मॉल ए को वो सर्च कर रहा है, यहाँ पे क्या मिला वाई, हैश लाइन ये है आपका वे है, तो अब हमने कहा जैसे ही उसे वाई मिले, जैसे ही उसे वाई मिले तो वाई को कैपिटल वाई को वाई से रिप्लेस करना राइट पे मूव करना, और कहाँ पहुंच जाना क्यू फोर स्टेट पर, क्यू फोर स्टेट पर आपने कहा जैसे आपने जैसे फर्स्ट एक्स मिला था, एक्स को एक्स रहने दिया राइट तरफ मूव किया, और उसे क्या मिला वाई, जैसे ही उसे वाई मिला वाई को वाई रहने दिया और राइट तरफ मूव किया, और उसके बाद क्या मिला राइट राइट तरफ मूव किया तो क्या मिला हैश सिंबल, जैसे ही उसे हैश सिंबल मिला, हैश सिंबल मिला, हैश को हैश से रिप्लेस किया और राइट साइड मूव किया, फाइनल शेप आ गया। आ गया, अब हम बात करते हैं फोर टाइम सॉरी एन की वैल्यू टू के लिए, एन की वैल्यू टू के लिए, अब आपको यह ए टू ए थ्री ए फोर ए देन टू बी दो बी मीन्स करने का फोर टाइम ए टू टाइम बी एन की वैल्यू टू पुटअप करने पर इसको देखते हैं साल करता कैसे होता है। जैसे फर्स्ट ए मिला ए को क्या किया उसे एक्स किया हाँ और राइट तक मूव किया आगे मूव किया मीन्स स्मॉल ए पर आ गए हम स्टेट हो गया क्यू वन, क्यू वन स्टेट पर जैसे ए मिला उसे क्या किया एक्स किया और राइट तक मूव किया और क्यू टू स्टेट हो गया राइट मीन्स हो गया अब यहाँ पर आ गए स्मॉल ए पर। अब आपके टू ए इक्वल टू वन बी होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू ए टू एन बी एन तो टू ए इक्वल टू वन बी तब दो ए तो आपने रीड और राइट कर लिया अब क्या करें जितने भी वैल्यू मिले उसको क्या स्किप करा दें ठीक है स्किप करा दें तो हमने कहा जैसे ही स्मॉल ए मिले ए को ए रहने दो और राइट तक मूव करो अगेन स्मॉल ए राइट तक मूव किया क्योंकि सेल्फ लूप है अगेन क्या मिला उसे स्मॉल बी जैसे फर्स्ट बी मिले उसे वाई करो और लेफ्ट मूव करो लेफ्ट मीन्स बैक आ जाओ और स्टेट हो गया क्यू थ्री स्टेट पर जैसे उसे अगेन क्या मिलेगा स्मॉल ए मिलेगा जैसे स्मॉल ए मिलेगा स्मॉल ए को ए रहने दो और लेफ्ट बैक अगेन सेल्फ लूप अगेन क्या गया अब उसे क्या मिला उसे एक्स मिला क्योंकि आपने ए को एक्स किया जैसे एक्स मिला एक्स को एक्स रहने दिया राइट तो मूव की राइट मीन्स आगे यहाँ पर जाओ अब यहाँ पर आगे अब स्मॉल क्या मिला स्मॉल ए जैसे फर्स्ट ए मिले ए को क्या करो एक्स करो राइट मूव करो राइट मीन्स आगे बढ़ा है अगेन ए मिला ए को क्या करो एक्स करो और राइट तो मूव करो आगे बढ़ा क्यू टू स्टेट पर। अब जैसे ही वाई मिला क्यों आपने बी को वाई कर दिया आपने कहा जैसे ही वाई मिला वाई को वाई रहने दो और राइट मूव करो मीन्स वाई को क्योंकि आपने रीड और राइट ऑपरेशन कर चुके हैं वन बी क्योंकि टू ए को आपने जब आपने रीड राइट किया था तो यहाँ पर वन बी का आपने यूज किया था अब ये टू ए को आप जब रीड राइट करेंगे तो फिर इस टू इस बी को यूज करेंगे तो आपने कहा जैसे ही वाई मिला वाई को वाई रहने दो और राइट तक मूव करो आगे स्किप किए। अब जैसे ही बी मिला बी को क्या किया वाई किया और लेफ्ट मीन्स मूव किया स्टेट हो गया क्यू थ्री और लेफ्ट मीन्स बैक बैक आ गए यहाँ पर आ गए। अब स्टेट पर क्या मिला उसे वाई जैसे ही उसे वाई मिला बैक गया तो वाई मिला जैसे ही उसे वाई मिला तो वाई को आपने कहा सेल्फ लूप लगा दिया वाई को वाई रहने दो और लेफ्ट बैक जाओ अगेन गया यहाँ पर। जैसे ही एक्स मिला एक्स को आपने कहा एक्स को एक्स रहने दो और राइट तक मूव राइट मीन्स आगे बढ़ा उसे क्या मिला वाई जैसे ही उसे वाई मिला अब वाई मिला ये एक ही लाइन है आपने कहा जैसे ही वाई मिला वाई को वाई रहने दीजिए और राइट तक मूव किया आगे बढ़ा अगेन उसे वाई मिला जैसे अगेन वाई मिला तो वाई को वाई रहने दीजिए और राइट आगे मूव कीजिए और लास्ट में जाएंगे क्या मिलेगा हैश जैसे ही हैश मिलेगा हैश को हैश रहने दीजिए और राइट तक मूव कीजिए और फाइनल स्टेट पा दीजिए। अब इसीलिए कहा था एन की वैल्यू टू या एन की वैल्यू थ्री लेंगे तो आपकी कंप्लीट जो भी ऑपरेशन होते हैं वो सब कुछ आ जाएगा एन की वैल्यू वन एन की वैल्यू जीरो पर कंप्लीट ऑपरेशन नहीं आते हैं एन की वैल्यू टू या थ्री पर आपकी कंप्लीट ऑपरेशन आ जाते हैं इसीलिए जब भी सॉल्व कीजिएगा एन की वैल्यू टू या थ्री पर सॉल्व कीजिएगा आपका कंप्लीट ऑपरेशन जो होंगे वो आ जाएंगे। ये आपका हो गया ट्रांजिशन डायग्राम इसी के थ्रू आप ट्रांजिशन टेबल बना लीजिएगा कैसे बनता है पिछले
टॉपिक में बताया गया है। और ये इसका लैंग्वेज, और लैंग्वेज को टेप में वैल्यू को फीड कर लीजिएगा और किसी एन की वैल्यू 2 या एन की वैल्यू 3 को लेकर आप उसको मशीन ड्रा कीजिएगा, आपका मशीन बन जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम बताइएगा।